Welcome back, everyone. Here's an important update for Vistara loyalists. Vistara Airlines ने May 2024 में ही Air India के साथ merger की announcement कर दी थी, और अब ये merger अपने final phase में है. Now the question is, Vistara co-branded credit cards पर इस merger का क्या impact होगा? अगर आप विस्तारा क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सिंस विस्तारा का लॉयल्टी प्रोग्राम क्लब विस्तारा एयर इंडिया के लॉयल्टी प्रोग्राम फ्लाइंग रिटर्न्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, कार्ड होल्डर्स को अपनी क्लब विस्तारा मेंबरशिप एयर इंडिया के फ्लाइंग रिटर्न मेंबरशिप के साथ लिंक करनी होगी, जिसके बाद सारे सीवी पॉइंट्स फ्लाइंग रिटर्न्स पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इन 1:1 रेशियो। प्रोसेस काफी सिंपल है। यू जस्ट नीड टू विजिट द क्लब विस्तारा वेबसाइट एंड गो टू माई अकाउंट। हियर यू विल फाइंड द लिंक अकाउंट ऑप्शन। इसमें आपको अपनी 9 डिजिट फ्लाइंग रिटर्न्स मेंबरशिप आईडी एंटर करके सबमिट करना होगा। अगर आपके पास फ्लाइंग रिटर्न्स अकाउंट नहीं है, तो आप न्यू अकाउंट क्रिएट करके ये प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई क्लास अपग्रेड या कॉम्प्लीमेंट्री फ्लाइट टिकट वाउचर्स हैं, तो वो भी फ्लाइंग रिटर्न्स में ट्रांसफर हो जाएंगे विद एग्जिस्टिंग वैलिडिटी। तो ये था एक क्विक अपडेट एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर पर। इफ यू आर अ फ्रीक्वेंट विस्तारा फ्लायर, गेट रेडी फॉर दिस ट्रांजिशन। Subscribe to our channel for more such updates in the coming days. Milte hain agle video mein.